हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। सो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लाइव में आते हैं और जो अपने डाउट्स थे उसको क्लियर करते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो रेगुलरली आके अपने डाउट्स अच्छे से सॉल्व करते आए। तो डाउट्स तो बच्चों के सॉल्व होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी की जाए और अच्छे से, तो इसीलिए हम IFAS की जो वेबसाइट है वहां पे रेगुलरली 5 क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के डालते हैं। तो बच्चों को वहां पे जाके वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसकी प्रोसीजर कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जस्ट IFAS एक बार सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट ही IFAS इंडिया नंबर 1 क्लासरूम एंड ऑनलाइन कोचिंग फॉर CSIR नेट गेट एंड IIT एग्जाम, यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद राइट कॉर्नर में आपके पास दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो रजिस्टर है, ये तो लॉगिन है। अगर आपने IIT एग्जाम के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो फिर लॉगिन आप डायरेक्टली करके, क्योंकि आपको वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ता है, तो जो रजिस्टर में आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है वहां से आप लॉगिन करके आपके कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल एंड फोन नंबर है, एंड जो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में पूछा है, राइट। तो जैसे कि चलिए मैं यूजर फर्स्ट नेम डाल देता हूं, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद यूजर नेम। तो यूजर नेम आपको जो डालना है, ठीक है, मैंने यूजर नेम तो डाल दिया। अभी ये जो यूजर नेम है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा यूजर नेम डाला है एंड कौन सा पासवर्ड डाला है, ओके। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके ईमेल आईडी की एंड आपके फोन नंबर की। बिकॉज अगर आपको कुछ कॉन्टेस्ट के विनर अगर आप बनते हो और आपको अगर कुछ मिलने वाला है तो इसी फोन नंबर पे आपको कॉल कर दिया जाएगा या फिर इसी ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो करेक्ट हो। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूं, ये ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद फोन नंबर, ओके। फोन नंबर के बाद आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना है, आप IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है MSc एंट्रेंस मैथ्स, ओके। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए आपका, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन, ओके। तो सिक्योरिटी पिन आप डाल दीजिए ORYMJr है, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको एंड में ध्यान में क्या रखना है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका क्या है। तो ये डालने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। तो इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर ही आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है। तो लॉगिन में आपको वही यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने डाला था वो डालना है, राइट, ओके। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया और मैंने लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे IIT जाम मैथमेटिक्स का सेक्शन ओपन हो गया है, जहां पे आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया है, जहां पे आपको फैकल्टी के बारे में बताया जो आपको लाइव में भी पढ़ाते हैं और जो क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, जैसे कि अगर IIT जाम की बात करें, JNU की, TIFR, BHU, DU, आगे जाके NBHM, तो इनकी सारी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जो स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज खरीद लिया वो भी यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। एंड जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कॉन्टेस्ट के पुराने भी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे अवेलेबल है, और जो लेटेस्ट में चल रहे क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो IIT एग्जाम के लिए जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा का ये कॉन्टेस्ट है, तो ये भी बता देता हूँ कि कॉन्टेस्ट देना कैसे। तो यहाँ पे क्या है, IIT एग्जाम का कॉन्टेस्ट है, टोटल क्वेश्चन से 5, टोटल टाइम है 30 मिनट्स। तो प्रोसीड कर लीजिए। जो फॉर्मेट है आपके क्वेश्चन पेपर का, उसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आंसर करने के लिए, नॉट आंसर करने के लिए, मार्क नॉट विजिटेड एंड मार्क एंड आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है और रेगुलरली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते रहना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए।
ओके तो इस वजह से आप रजिस्टर करके लॉग इन करके आप रेगुलरली IFAS के वेबसाइट पे जाके जो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको जो भी डाउट्स होंगे जो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन के वो अभी क्लियर हो चुके होंगे और जल्दी आप रजिस्टर करके कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ एंड हैप्पी लर्निंग।